हे फ्रेंड्स, मैं हूं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पबजी की कुछ ट्रिक और ग्लिच के बारे में। तो दोस्तों, ट्रिक तो आप लोगों को तकरीबन तो सब पता ही है, अगर नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर हम ग्लिच की बात करें तो जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो ग्लिच है, शायद उसका यूट्यूब पे अब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में उस ग्लिच के बारे में बताऊंगा। आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इस तरह की ग्लिच जब आप गेम खेलते हो तो आपके मोबाइल में आपके साथ भी आती है क्या। अगर आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लास्ट में मैं बताता हूं आपको PUBG की सबसे बड़ी ग्लिच के बारे में। तो दोस्तों, पहली आप लोगों को ग्लिच देखने के लिए मिलेगी पचंकी के एक मकान के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पचंकी में काफी सारे प्लेयर उतरते हैं, यहाँ पे अच्छी लूट के साथ साथ अच्छे आप लोगों को किल भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का एक मकान ढूंढ लेना है। चलिए मैं मकान आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को रेंगल मैप के अंदर काफी जगहों पर इस तरह के मकान दिख जाएंगे। आप लोग काफी बार इस मकान के अंदर लूट लेने भी गए होंगे। तो चलिए, आप जैसे दोस्तों यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को गन का पॉइंट दीवार की तरफ कर देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉर्नर पर, और अपने प्लेयर का सर नीचे करना है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। दोस्तों सिंपल है, ये देखिए, प्लेयर का सर जैसे ही आप दीवार के पास आके नीचे करते हो तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को बाहर का सब कुछ दिखाई देगा और जो सामने का प्लेयर होगा वो आप लोगों को नहीं मार सकता, उसको आप लोग नहीं दिखाई नहीं दे रहे होगे और आप उस प्लेयर को इजीली मार सकते हो। दीवार के आर पार यहाँ पे गोलियां जा सकती है और आप भी दीवार के आर पार देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की है ये ग्लिच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम पबजी की जो दूसरी ग्लिच है उसकी तरफ। तो दोस्तों इस तरह के आप लोगों ने मैप के अंदर काफी बार मकान देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर भी एक ग्लिच है। चलिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों अगर आप जैसे कि दो मंजिल वाला मकान पे अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो ये ग्लिच वर्क नहीं करेगी। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे चढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंगल जिसके ऊपर कोई दूसरा मकान ना हो, ठीक है, उसके अंदर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे ये देखिए, और मैं इसमें यहां पे चढ़ूंगा और इसमें गन का पॉइंट अपने कॉर्नर पर रखूंगा। ये देखिए, देखिए दोस्तों, यहां से मैं आसपास चारों तरफ देख सकता हूं और सामने वाला प्लेयर मेरे को नहीं देख सकता, और आप इजीली किसी भी यहां से प्लेयर को शूट कर सकते हो। अगर कोई प्लेयर मकान के अंदर आपको आके शूट करता है तो आप शूट हो जाओगे, बाकी बाहर से आपको कोई भी प्लेयर शूट नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पबजी के अंदर कुछ ट्रिक्स के बारे में, और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा पबजी की जो सबसे बड़ी ग्लिच है उसके बारे में। तो इस चीज के बारे में, तो इस ग्लिच के बारे में तो काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो पहले से अवेलेबल है और आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता हो, चलिए मैं बता देता हूं। तो दोस्तों ये ब्रिज कैंपेन के लिए काम आती है, एक ग्लिच है, और ये एक ग्लिच भी कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो। आप लोगों को एक बग्गी चाहिए, बग्गी को सीधे पुल के नीचे लेके जाना है और 90 डिग्री पर इसको उल्टा चलाकर एकदम पुल से टच करवा देना है, ठीक है। जैसे आप इस पुल से टच कराओगे, आप लोग देख सकते हो पुल का आप लोगों को चारों तरफ का व्यू दिखाई देगा। जो बंदे सामने से दौड़ के आ रहेंगे आप उसको शूट कर सकते हो, और कोई भी बंदा आपको शूट नहीं कर सकता। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, कुछ अच्छे से नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो मेरे सर के ऊपर पुल है, और आप लोगों को बस आप इसको थोड़ा सा रिटर्न उल्टा लेके जाना है। उल्टा लेके जाने के बाद थोड़ा और एकदम कॉर्नर पे इसको लगा देना है, और लगते ही आप देख सकते हो आप लोगों को पूरा ब्रिज दिखेगा, पूरा ब्रिज के साथ चारों तरफ के नज़ारे दिखेंगे। आप किसी को वैसे करके शूट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ग्लिच की तरफ, या फिर अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक ट्रिक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये फिलहाल पचंकी का एरिया है, और आप लोग इस तरह का एक पुराना चर्च आप लोगों ने काफी सारी जगह पे मैप पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों क्या करना है, एक बार सिंपली सी यहाँ से साइड से सीढ़ियाँ दी हुई है इस चर्च पे चढ़ने के लिए, और आप लोगों को इन सीढ़ियों पे चढ़ जाना है। और यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, सीधे चले जाते हो। सीधे जाने की बजाय आप लोग यहाँ पे चढ़िए, और यहाँ पे चढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे आना है, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। आप लोग देख सकते हो, बूम, दोस्तों आप लोगों को चारों तरफ से एक पैक कमरा मिल जाता है, और आप लोग यहाँ से किसी बंदे को भी शूट कर सकते हो। सोचिए अगर लास्ट का सर्कल यहीं पर बन जाए और आप लोग इस कमरे में हो तो आप लोगों का चिकन डिनर पक्का। तो दोस्तों इस तरह के मकान तो आप लोगों ने लास्ट के सर्कल में काफी बार देखे होंगे। तो क्या आप लोगों को पता है कि इस तरह के मकानों की छत के ऊपर चढ़ा जा सकता है, कैसे? चलिए मैं आप लोगों को चढ़ के दिखाता हूँ। आप लोग अगर पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, आप इस तरह से इन मकानों की छतों पर चढ़ सकते हो। दोस्तों अगर लास्ट का सर्कल के बीचों बीच ये मकान हो, और आप लोगों को पता है लास्ट के सर्कल पर जब बनता है तब सारे बंदे घास में लेटे हुए रहते हैं, तो आप उन बंदों पे ताबातोड़ गोलियां चला सकते हो, और फिर आप लोगों का चिकन डिनर पक्का। अगली बार जब भी गेम खेले तो आप लोग इस चीज को जरूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और
ग्लिच के बारे में, जो कि है इस गेम की सबसे बड़ी ग्लिच, और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद यूट्यूब पे अब तक उसका कोई वीडियो अपलोड नहीं है। वो ग्लिच सिर्फ गेम के सिर्फ दो बटन दबाने से एक्टिव हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस गेम प्ले को देखिए, यहाँ पे मेरा प्लेयर दीवारों के आर पार निकल सकता है, दरवाजे के आर पार निकल सकता है। दोस्तों ये एक गेम की ग्लिच है। ग्लिच कैसे एक्टिवेट होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि एयरक्राफ्ट से आप लोगों का जो पैराशूट होता है उसको आप लोगों को तुरंत ओपन कर लेना है। जैसे आप पैराशूट ओपन करोगे और उसके बाद आप लोगों को पैराशूट को लेफ्ट राइट वाला जो बटन आगे पीछे करने का होता है उसको आप लोगों को ऊपर की साइड कंटिन्यू प्रेस करना है 4 से 5 बार, और जैसे आप लोगों का प्लेयर नीचे उतरेगा तो ये ग्लिच एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी ये ग्लिच एक्टिवेट हो जाती है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।